हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के जनरल स्टडीज़ के पॉलिटी लेक्चर में वी विल बी लुकिंग एट द 10th शेड्यूल, दैट इज़ योर एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बस हम कुछ अपने जो कोर्सेज है और पेड कोर्सेज है बहुत जल्दी उनके बारे में बता देना चाहते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम पेड कोर्सेज हम बहुत सारे फ्री कोर्सेज रन कर रहे हैं, दोनों ही 2018 के जो मेन्स आ रहे हैं उनके लिए, एज वेल एज जो प्रीलिम्स है, राइट, 2019 के उसके लिए भी, राइट। मंडे टू फ्राइडे हमारा पूरा GS जो कि प्रीलिम्स प्लस मेन्स को टारगेट करता है, राइट, उसके सारे वीडियोस जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही में प्रीमिक्स जो है, जो कि हमारा बहुत सक्सेसफुल एक चला था, जिससे जो 2018 के प्रीलिम्स है बहुत काफ़ी क्वेश्चंस ये इंटेंसिव क्वेश्चंस में से आए थे, राइट। तो ये जो प्रीमिक्स है हम इसको भी वापस लॉन्च कर रहे हैं। मैट चल रहा है जिसमें 5 मेन्स रिलेटेड क्वेश्चंस पर वीक करवाए जाते हैं। इस मैट के जो क्वेश्चंस है प्लीज़ आप जाके देखिए, मेन्स 2018 नाम की हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये सब पढ़े, और उसी के लिंक के अंदर आपको उस प्लेटफॉर्म का भी जो है लिंक दिया गया है, राइट, जहां पे जाके आप क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं जो संडे के संडे लगेगा, राइट। तो इसमें GS1 GS2 GS3 GS4 प्लस एक एथिक्स की केस स्टडी अलग से जो है डिस्कस की जाएगी। साथ ही में वीकेंड में एक CSAT क्लास, एक वीकली स्कीम एनालिसिस और एक एडिटोरियल एनालिसिस जो है, पिछले पूरे हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उनका एक इंटेंसिव एनालिसिस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के भी जो है वीडियोस जो है फ्री में हैं, राइट। पेड कोर्सेज भी हैं प्रीलिम्स के लिए 2019 के लिए, ताकि आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज प्रीलिम्स 2018 से पता लग गया होगा आपको कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है, साथ ही में किस तरह के जो क्वेश्चंस है, किस तरह की इंटेंसिव प्रिपरेशन, बहुत इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रिपरेशन यूपीएससी डिमांड कर रहा है। मेंस 2018 के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, विच इज इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। मेंस 2019 के लिए भी हम जरूर कोई कोर्स लाएंगे अभी जल्दी ही, एंड साथ ही में सोशियोलॉजी जो है उसका भी क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर मेंस 2018। चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी अब आगे बढ़ते हैं, डील करते हैं कि हमारा एंटी डिफेक्शन का लॉ एंड 10 शेड्यूल के बारे में, राइट। चलिए सबसे पहले अब आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। एंटी डिफेक्शन लॉ का जो मुद्दा है सबसे ज्यादा आगे चल के तब आया सामने, जब आया राम गया राम नाम का एक मुद्दा बहुत आगे आके बढ़ा। अगर आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली एनसीईआरटी पढ़ी है जिसपे पॉलिटिकल सिस्टम की बात होती है, उसके अंदर ये बहुत एक ये कार्टून भी दिया गया है जो कि बात करता है हरियाणा के जो MLA थे गयालाल, जिन्होंने अपनी पार्टी जो है 3 बार बदली ऑन द सेम डे इन 1967। और ये एक इंसिडेंट के कारण जो है जो प्रॉब्लम थी ऑफ डिफेक्शन वो बहुत ज्यादा उभर के आई, और पता एक बहुत अंडरलाइन हुई नीड के हमें डिफेक्शन के साथ डील करने के लिए किसी ना किसी लॉ की जरूरत है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ करता क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसी ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस होती है जो कि सेल्फिश इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होती है, पैसे के लिए, पावर के लिए, पोजिशन के लिए, जब आप अपनी पार्टीज चेंज कर लेते हैं, राइट, ये इसको जो है हम डिफेक्शन बोलते हैं, राइट, जो कि आप किसी रिवॉर्ड के लिए या किसी ऐसे कंसिडरेशन के लिए पॉलिटिकली मोटिवेट होके अपनी जो है पार्टी बदल ले, राइट। फाइनली ये 1985 में जाके राजीव गांधी की गवर्नमेंट के अंदर 52nd अमेंडमेंट जो है लाई गई, राइट। 52nd अमेंडमेंट ये जो 1985 में है, उसके थ्रू एक आपका 10th शेड्यूल ऐड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है, और इसके अंदर एक पूरा प्रोसेस ले डाउन किया गया जिस जो बताता है कि लेजिस्लेटर्स जो है किस तरह से डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, राइट। सो साथ ही में ये जो है ये दोनों ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज जो स्टेट लेजिस्लेचर्स आपके विधानसभा के मेंबर्स है उन दोनों पे ही अप्लाई करता है, ठीक है। अब क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या वो हो सकते हैं फॉर डिफेक्शन? इधर जो आपके MP या MLA है, राइट, वो वॉलंटरी रिजाइन कर दे अपनी पार्टी से या डिसोबे कर दे डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन अ वोट। बेसिकली आपकी जो व्हिप का कमांड आता है, अगर ये उसके अगेंस्ट जो है वोट करते हैं तो इसको जो है एक डिसोबे माना जाता है, ये जो व्हिप के ऑर्डर को डिसोबे करना जो है माना जाता है, राइट। इंडिपेंडेंट मेंबर्स को डिस्क्वालिफाई तब किया जा सकता है अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। नॉमिनेटेड मेंबर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि अभी किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं थे वो विद इन 6 मंथ्स जो है चूज कर सकते हैं पार्टी को ज्वाइन करना, एंड इन 6 मंथ्स के बाद या अगर उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली कोई तो उनको पार्टी मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर वो इंडिपेंडेंट ही रहते तो उनको एक इंडिपेंडेंट मेंबर जैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हुए, एक लेजिस्लेटर को डिफेक्शन के नाम पे तभी भी हटाया जा सकता है अगर वो वॉलंटरीली रिजाइन कर ले, राइट, मेंबरशिप अपनी पार्टी दे दे या डिसोबे करे डायरेक्टिव्स, राइट। साथ ही में इसका ये जो इंक्लूड करता है कि अगर आप एब्सटेन करते हैं या वोट अगेंस्ट करते हैं पार्टी विप के किसी इशू पे, राइट। साथ ही में जो है इसके अंदर अब एक्सेप्शंस क्या आती है, एक्सेप्शंस की भी बात आ जाती है। एक्सेप्शंस में बोलते हैं कि लेजिस्लेटर अपनी पार्टी विदाउट रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है कई सर्कमस्टांसेस के अंदर ये चेंज कर सकता है। जो लॉ है वो अलाउ करता है अ पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट लेजिस्लेटर्स आर इन फेवर ऑफ दिस मर्जर। पहले होता था कि अगर 1/3 अगर मेंबर्स निकल के किसी और पार्टी में मर्ज होता रहते थे तो उसको डिफेक्शन जो है नहीं माना जाता था। हाउएवर इसके कारण भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, इसलिए फाइनली 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी जो आपकी 2003 में हुई, जिसने आपकी जो काउंसिल ऑफ आपके मिनिस्टर्स हैं उस पे भी एक लिमिट लगा दी थी, राइट। यही 91st अमेंडमेंट जो है इसी ने ये भी बोला कि अब इन्होंने 1/3 से चेंज करके ये बोल दिया कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स जो हैं उनको जो है इन फेवर होना चाहिए विद मर्जर, तभी जो है ये डिफेक्शन के तरह से नहीं देखा जाएगा, राइट। इन सच अ सिनेरियो नीदर द मेंबर्स जो कि डिसाइड करते हैं मर्ज करने का एंड नाइदर दोस जो कि ओरिजिनल पार्टी में रहना चाहते हैं, दोनों में से किसी भी ग्रुप को जो है डिफेक्शन के उस पर डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, राइट। वेरियस एक्सपर्ट कमिटीज है उन्होंने रिकमेंड किया है, ठीक है। अब क्या है, डिसीजन कौन लेता है डिफेक्शन को लेकर, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, राइट। तो अगर जो स्पीकर है वो हुआ, राइट, बेसिकली जो भी आपका लीडर ऑफ द हाउस जो होता है, राइट, तो वो स्पीकर हो सकता है लोकसभा में, स्पीकर हो सकता है आपके राज्यसभा में, राइट। बेसिकली जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस होते हैं, राइट, जो आपके लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब काफी एक्सपर्ट कमिटीज ने ये आपको रेकमेंड किया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर हटा के ये जो डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एमपीज एंड गवर्नर इन केस ऑफ एमएलएज को लेना चाहिए, जैसे on the advice of election commission, ठीक है। साथ ही में एक जो बहुत बड़ा लकूना है वो है कि कोई भी टाइम पीरियड जो है स्पेसिफाई नहीं किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन फी प्ली, ठीक है। सो इसके कारण क्या होता है, कोर्ट्स जो है, राइट, इवेंचुअली क्या हुआ 1992 में जो जुडिशियल रिव्यू से के पार पहले था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है, राइट, उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है प्रैक्टिस नहीं हो सकती। हाउएवर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था, राइट, इन 1992, बट हाउएवर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके लिए टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ, ठीक है, कि आपने कब डिसाइड करना है एक डिस्क्वालिफिकेशन की प्ली पे, और जब तक ये डिसीजन नहीं आता आप जो है अपनी ये जो डिस्क्वालिफिकेशन को लेके जो पेटिशनर है वो अपील जो है अपनी कोर्ट में नहीं लेकर जा सकता, जिसके कारण अगेन जो है काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट। अब इंटरप्रिटेशंस क्या रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिफरेंट जो प्रोविजंस है उनको डिफरेंटली इंटरप्रेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन द रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर बोला कि जो वॉलंटरीली गिविंग अप द मेंबरशिप है इट इज नॉट को टर्मिनस विद द आइडिया ऑफ सबमिटिंग योर रेजिग्नेशन, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जब आप रेजिग्नेशन दो तभी वॉलंटरी गिव अप किया आपने मेंबरशिप, इसका एक वाइडर कॉनोटेशन है, ठीक है। इसके अंदर साथ ही में एक और जो केस हुआ था राजेंद्र सिंह वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य एंड अदर्स, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अगर कोई एक्ट, अगर आप ऐसा भी एक काम करो जहां पे एक लेटर फॉरवर्ड कर दो गवर्नर को जहां पे यू आर कॉलिंग अपॉन द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू कम फॉर्म अ गवर्नमेंट, ये भी जो एक्ट है इसको क्या माना जाएगा कि आप वॉलंटरीली गिव अप कर रहे हो अपने मेंबरशिप ऑफ द पार्टी जिसके अंदर जिसके टिकट पे आप इलेक्ट हुए थे, राइट। साथ ही में दो जो जेडीयू एमपीज का केस हुआ था पिछले साल दिसंबर 2017 में, राइट, उनको डीम कर दिया गया था कि इन्होंने वॉलंटरीली गिव अप कर दी अपनी membership by क्योंकि वो engaged कर रहे थे in anti-RT activities which included criticizing the party on public forums on multiple occasions as well as attending rallies organized by opposition parties. साथ ही में ये जो लॉ था इनिशियली ये स्टेट करता था कि जो डिसीजन है ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हाउएवर 1919 में आपका जो किलो हाथों हालहान केस है, राइट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए बोला कि अपील्स जो है अगेंस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डिसीजन ये आ सकती है इन बोथ द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट,
राइट. अब इश्यूज क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, राइट. अब इवन दो ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था टू बेसिकली क्लेंस द पॉलिटिकल सिस्टम, क्लेंस द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है इंडिया में जो हो रही है, हाउएवर इसको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है ऑन न्यूमरस ग्राउंड्स. ठीक है, पहली चीज तो इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेंट एंड डिफेक्शन. ठीक है, और इस पे एक ये माना जाता है कि ये ऑफन जो है कर्ब कर देता है लेजिस्लेटर का राइट टू डिसेंट एंड उनकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, क्योंकि आपने विप और पार्टी कमांड की सुनते हुए अपना डिसीजन लेना है. तो ऐसे भी हो सकता है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला है शायद दैट डज नॉट फिट विद योर पार्टी बॉस या विप का जो डिसीजन है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लेजिस्लेटर है ही हैज टू गो अगेंस्ट हिज कॉन्शियस, ही हैज टू गो अगेंस्ट व्हाट माइट एक्चुअली प्रूव बेटर फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वोट इन फेवर ऑफ व्हाट द पार्टी कमांड्स. ठीक है, सो कुलो हो तो होलोहान केस के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो था उन्होंने बोला था ये किसी भी तरह से जो प्रिविलेज है ऑफ द लेजिस्लेटर और जो उनकी फ्रीडम है उसको जो है नहीं करता है कब, इसलिए इसको एक प्रॉब्लम नहीं माना गया था. हाउएवर दिनेश गोस्वामी कमेटी जो थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप चेंज कर दीजिए ये. साथ ही में लॉ कमीशन जो 1999 में, उन्होंने भी बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो व्हिप सिर्फ तब इशू करें जब गवर्नमेंट इन डेंजर हो, वरना आप जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको खुद डिसाइड करने दीजिए कि वो कैसे वोट करना चाहते हैं. साथ ही में डिस्टिंक्शन जो है बिटवीन इंडिविजुअल डिफेक्शन एंड ग्रुप डिफेक्शन जो है बहुत इरेशनल है, राइट. कि अगर 2/3 मेंबर डिफेक्ट करते तो इट्स ओके, बट अगर एक बंदा करे तो गलत है, राइट. सो एक केस के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये सिर्फ रिटेल डिफेक्शन जो है वो बैन करते, होलसेल डिफेक्शन अलाउ कर देते. साथ ही में जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन इंडिपेंडेंट मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर, के आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसको 6 महीने देते हैं, बट इंडिपेंडेंट मेंबर के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. साथ ही में जो वेस्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसको 2 ग्राउंड्स में क्रिटिसाइज किया जाता है. पहला चीज तो कि ये अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना इम्पार्शियली, ठीक है, वो काफी डिफिकल्ट है क्योंकि मोस्टली आपकी जो रूलिंग पार्टी है वही आते हैं, एंड अगर उनके जो मेंबर्स है वो उसके अगेंस्ट कुछ करें तो ऑब्वियसली दे विल नॉट टेक एन अनबायस्ड अनप्रेजुडिस्ड डिसीजन. साथ ही साथ में वो बोलते हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है दे ऑफन लैक लीगल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज के वो इन केसेस को डिसाइड कर सके, राइट. सो ये भी है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट. अब सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट जो वेरियस कमिटीज ने दी है, दिनेश गोस्वामी आपकी जो कमिटी है ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 1990, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको लिमिट कर देना चाहिए 2 instances पे. अगर तो मेंबर जो है वॉलंटरिली गिव अप कर देता है अपनी मेंबरशिप फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी, सेकेंडली अगर मेंबर जो है अब्सटेन करता है फ्रॉम वोटिंग या फिर वोट करता है कॉन्ट्ररी टू द पार्टी विप जब अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो उस पर डिसीजन लेने की बारी है, राइट. जो हलीम कमिटी थी ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1998 में, उन्होंने रेकमेंड किया कि जो वर्ड्स है वॉलंटरिली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उनको कॉम्प्रीहेंसिवली आप डिफाइन करो, एंड जो रिस्ट्रिक्शंस है लाइक प्रोहिबिशन ऑन ज्वाइनिंग अनदर पार्टी और होल्डिंग ऑफिसेज इन द गवर्नमेंट बी इम्पोज्ड ऑन एक्सपेल्ड मेंबर्स. साथ ही में आपकी जो लॉ कमीशन थी 170th रिपोर्ट 1999 में, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो प्रोविजन है जो कि एग्जेम्प्ट करती है स्प्लिट्स एंड मर्जर्स को फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, इसको डिलीट कर दो. जो प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट है उनको ट्रीट करो आप एज वन पॉलिटिकल पार्टी अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड जो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको बोलो कि वो लिमिट करे इश्यूएंस ऑफ विप्स ओनली 2 instances जब गवर्नमेंट इन डेंजर हो, सेम जो आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस. साथ ही में सॉरी आपकी जो वेंकटचलाया कमीशन थी जिसको आप नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 2002 में आई थी, उसने भी रेकमेंड किया था कि जो डिफेक्टर्स हैं उनको आप बार कर दीजिए फ्रॉम होल्डिंग एनी मिनिस्टीरियल या रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल ऑफिस फॉर द रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग टर्म ऑफ द हाउस. साथ ही में उन्होंने बोला था कि जो वोट ऑफ एनी डिफेक्टर उसको काउंट ना कीजिए इन कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस वाली मोशन, राइट. Now, in conclusion, we realize कि जो anti-defection law है, basically एक stable government provide करने की कोशिश करता है. However, ये जो law है, ये legislator को from voting in line with his conscience and साथ ही साथ में in the interest of his electorate, इन दोनों ही कामों से रोक देता है. साथ ही में काफी ऐसी mature और deliberative democracies है जैसे UK, जहाँ पे ऐसे anti-defection law नहीं है. For example, Theresa May का जो एक EU withdrawal bill था, right? She actually lost one of those bills, right? क्योंकि उनके खुद के पार्टी मेंबर्स को लगा कि ये जो बिल है इट doesn't do justice, right? यही अगर एंटी डिफेक्शन लॉ होता तो आधे से ज्यादा उनको वो निकाल ही चुके होते. साथ ही में ऐसा जो लॉ है ये इम्पीड करता है oversight function of the legislature over the government, and inclusive law making के अंदर भी जो है ये एक hurdle डाल देता है.
तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जरूरी है कि एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करके रखे बिटवीन द ड्यूटी ऑफ अ फ्री लेजर एंड जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का ये जो गोल एनविसेज करते हैं सो एज टू इंश्योर. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी बाय सोली जे सोराब जी जिसपे क्वेश्चन भी आया हुआ है दैट द रेमेडी डज नॉट टर्न आउट टू बी वर्स देन द डिजीज. ठीक है कि जो डिजीज है ऑफ एंटी डिफेक्शन जो उसने आपने रेमेडी दी है एंटी डिफेक्शन लॉ कहिए उसी डिजीज से ज्यादा बुरी तो नहीं कि इट गोज अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड जो ड्यूटी है ऑफ द लेजिस्लेचर टू कीप अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम. राइट, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.